हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने भी लुकअप का फॉर्मूला बताई थी। आज हमने एच लुकअप का फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, और समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी आप लोग का प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट बॉक्स में दिखाइए, तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। देखिए, एच लुकअप का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम नेम निकालते हैं। इससे पहले आप लोग समझ जाइए कि एच लुकअप का मतलब क्या होता है। एच लुकअप का मतलब होता है ओरिजेंटल, और वी लुकअप का मतलब हम बताए थे पहले वर्टिकल। तो वर्टिकल का मतलब ये कॉलम वाइज, इसको देखने के लिए हम वी लुकअप का यूज करते हैं। अगर हमको ओरिजेंटल देखना है तो हम इसके लिए एच लुकअप का बात करते हैं, या इसको दूसरे शब्द में, जैसे हम लोग एक्सेल पढ़ते हैं उस समय आपको यहाँ पे बताया जाता है कॉलम और इसको बताया जाता है रो। उसी प्रकार से अब देखिए, हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्जा रखना है, और कर्जा रखने के बाद आपको यहाँ पे इक्वल टाइप कीजिए और लिख दीजिए एच एल डबल ओ के लुक अप, और उसके बाद छोटा कोष्ट लगाइए। और छोटा कोष्ट लगाने के बाद आपको यहाँ पे नेम निकालना है, तो नेम वाले वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद एक कोमा लगाइए, और एक कोमा लगाने के बाद आपको क्या करना है कि टोटल डाटा को सिलेक्ट करना है। टोटल डाटा को सिलेक्ट करने के बाद फिर से एक कोमा लगाना है, और नेम में आपको कितने नंबर का नेम देखना है। तो जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे गीता का देखना है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे डालेंगे 5। और उसके बाद फिर एक कोमा लगाएंगे और 0, उसके बाद यहाँ पे 0 लगा देंगे। 0 और फॉल्स आपको इसके पहले वाले वीडियो यानी कि वी लुकअप में बताए थे कि यहाँ पे 0 लगाते हैं या फॉल्स लगाते हैं। उसके बाद कोष्ट को बंद करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है पुश द इंटर की, तो आप यहाँ पे इंटर की पुश कर दीजिए। जैसे ही पुश कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे गीता है। यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे आपका गीता आ गया। उसी प्रकार से अगर आप लोग विलेज निकालना चाहते हैं, तो विलेज के लिए विलेज में कर्जर को रखिए, और कर्जर रखने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला को टाइप कर दीजिए। देखिए, हम पहले से फॉर्मूला यहाँ पे लिख के बनाए हुए हैं। इक्वल डालिए और लिखिए एच लुकअप, एच एल डबल ओ के लुक अप, उसके बाद छोटा कोष्ट लगाइए। उसके बाद आपको मान लीजिए विलेज निकालना है, तो विलेज वाले को सिलेक्ट कीजिए, फिर एक कोमा लगाइए, और उसके बाद सिलेक्ट द टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू को सिलेक्ट करना है, फिर एक कोमा लगाना है। एक कोमा के बाद आपको विलेज कितना नंबर, मान लीजिए गीता का ही विलेज देखना है, तो आप लोग यहाँ पे 5 टाइप कर दीजिए। फिर 1 कोमा लगाइए, और कोमा लगाने के बाद फिर से यहाँ पे 0 डाल दीजिए, और कोष्ट को बंद कीजिए। और यहाँ पे पुश द इंटर की है, तो पुश द इंटर की आप यहाँ पे कर दीजिए। देखिए, गीता का आपके पास यहाँ पे विलेज मानपुर दिखा रहा है, तो गीता का मानपुर आ गया। अब बैच नंबर, अगर आप लोग गीता का देखना चाहते हैं कि बैच नंबर कितना है, तो आप यहाँ पे वही फॉर्मूला का फिर से यूज कीजिए। इक्वल एच एल डबल ओ के लुक अप, उसके बाद छोटा कोष्ट, उसके बाद यहाँ पे बैच नंबर को सिलेक्ट कीजिए, फिर से एक कोमा लगाइए, और सिलेक्ट द टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए, फिर से एक कोमा लगाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे गीता का ही बैच नंबर देखना है, तो आप यहाँ पे 5 टाइप कर दीजिए, फिर से एक कोमा लगाइए, और उसके बाद 0 लगाइए, और कोष्ट को बंद कीजिए, और इंटर कीजिए। देखिए, आपका गीता का यहाँ पे बैच नंबर आ गया। अगर आप लोग रोल नंबर निकालना चाहते हैं, तो रोल नंबर के लिए वैसे ही हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए, लगा रहे इक्वल एच लुकअप, एल डबल ओ के लुक अप, छोटा कोष्ट, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर के लिए रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, एक कोमा लगाएंगे, और सिलेक्ट द टोटल वैल्यू,
टोटल वैल्यू के बाद आप लोग यहाँ पे एक कोमा लगाइए और उसके बाद गीता का ही चाहिए रोल नंबर, तो आप यहाँ पे 5 टाइप कर दीजिए और यहाँ पे 5 टाइप करने के बाद एक कोमा लगाइए और यहाँ पे 0 लिखिए और कोष्ट को बंद कर दीजिए और जैसे ही इंटर की पुश कीजिएगा तो देखिए गीता का यहाँ पे रोल नंबर दिखा दिया। उसी प्रकार से अगर आपको गीता का मोबाइल नंबर देखना है तो आप लोग अपने से निकालिए और निकाल के आप लोग बताइए कि यहाँ पे आंसर कितना होगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। आप लोग के लिए हम मोबाइल नंबर छोड़ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे और नेम दूसरे का देखना है तो हम बार बार यहाँ पे नेम को नहीं टाइप करेंगे, तो इसके लिए यहीं पे गीता का नाम पे जाइए और यहाँ पे आपके पास C2 लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, तो 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे, 5 को हटाएंगे और 5 को हटाने के बाद मान लीजिए हमको 7 नंबर का चाहिए तो हम यहाँ पे 7 नंबर टाइप कर देंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखिए 7 नंबर पे कोमल है, यहाँ से काउंट किया है क्योंकि हम यहीं से डाटा को सिलेक्ट किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 7 नंबर पे कोमल है, कोमल आ गई। अगर कोमल का ही विलेज देखना है तो वही हम यहाँ पे जाएंगे और 5 को हटा करके और यहाँ पे 7 डाल देंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे, देखिए कोमल का आ गया। अगर आप लोग बैच नंबर को ऐसे ही करना चाहते हैं तो आप बैच नंबर को यहाँ पे कीजिए और यहाँ पे हटा दीजिए, इसको बैक कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए और डालने के बाद 7 डालिए, यहाँ पे 7 डाल के इंटर कीजिए, देखिए इनका कोमल का बैच नंबर बता दिया। अगर रोल नंबर करना है उसी प्रकार से कर्जा रखिए और यहाँ पे जाइए और जाने के बाद यहाँ पे 7 टाइप कीजिए और कोष्ट बंद कीजिए और इंटर कर दीजिए, देखिए इसका भी निकल गया। आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर का फॉर्मेट निकाल के बताइए और कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो ज़रूर यहाँ पे लाइक कर दीजिए। इतना ही का, थैंक यू।